morning, students. Let's continue question number 3 of exercise 13.1 of chapter direct and inverse proportion. Question number 3 is in question number 2 above. आपको ध्यान है question number 2 हमने किया ही था. उसमें क्या था? Mixture of paint था. उसमें red pigment and base का mixture था. तो उसी से ही हम ये समझी है. If one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? अब इसमें क्या-क्या है? Red pigment और base ही है. तो वही जो-जो चीजें हमारे पास given है, वो हम table की form में लिख लेते हैं. देखिए क्या-क्या given है हमारे पास. एक तो रेड पिगमेंट है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, और क्या है? बेस. रेड पिगमेंट का वन पार्ट है और उसमें 75 ml ऑफ बेस है. इसका मतलब बेस इन ml आ जाएगा. तो यहां आपको यूनिट नहीं लिखना पड़ेगा ना, इन ml यहां लिख दोगे तो यहां पर है 75. हाउ मच रेड पिगमेंट, इट मींस हमें ये बताना है. इसको x लिख देंगे. शुड वी मिक्स विद 1800 ml बेस के साथ कितना रेड पिगमेंट होगा ये बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिसाइड करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है. तो देखिए बेस है 75 ml, 100 पिगमेंट है और 1800 ml बेस है, तो रेड पिगमेंट कितना होगा? बढ़ जाएगा ना. तो ये बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है. तो इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. अगेन हम ये x1 x2 y1 y2 ये अंडरस्टूड है. वैसे x1 x2 होता है, ये y1 y2 है. और क्योंकि ये केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बिकॉज़ इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो x1 डिवाइडेड बाय y1 is equal to x2 divided by y2. तो कैसे हो जाएगा? x1 है 1 और y1 है 75. x2 है x and y2 है 1800. इसको सॉल्व करना आपको आता ही है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 75 multiply x 1 into 1800. x is equal to 1800 divided by 75. 75 ones are, 75 twos are 150, 30 remainder 300 बन गया, 75 fours are 300. इसका मतलब 24 ये क्या आया? x 24 है, तो क्या आना चाहिए ये? How much red pigment? It means 24 parts. तो क्या लिखना है हमें? 24 parts of red pigment should be mixed ये पूछा है ना. How much red pigment should be mixed, हमें क्या करना है? 24 parts of red pigment mix करना पड़ेगा उस base में, तो हमारा वो मिक्सर रेडी हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स. एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, उसमें एक मशीन 840 बॉटल्स को 6 आवर्स में फिल कर देती है. हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, बताना क्या है? 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स को फिल करेगी. इट मींस टाइम गिवन है हमारे पास, टाइम है इन आवर्स में.
और क्या है बॉटल्स। सिक्स आवर्स में 840 बॉटल्स को फिल करती है और हमें बताना है 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल होंगी। वही है यहां पर भी, ये X1, X2, ये Y1 और ये Y2। अब देखिए ये बताना है हमें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल कर रही है तो 5 आवर्स में कम ही करेगी, आवर्स कम कर रहे हैं तो बॉटल्स भी कम ही फिल होंगी। सो इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बिकॉज इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन सो X1 divided by Y1 is equal to X2 divided by Y2. 6 by 840, 5 by X. Cross multiply कर देंगे, 6 into X is equal to 5 into 840. X is equal to 5 multiply 840 divided by 6. यहाँ हम multiply इसलिए नहीं करते क्योंकि calculation अभी रहती है, हम यहाँ 6 divide करना है, पहले ये कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको multiply कर लेंगे। 6 ones are 6 ones are 6 fours are 24 and 0. X is equal to 700. अब ये 700 क्या है, बॉटल्स है, तो इट मींस 700 बॉटल्स 5 आवर्स में फिल होंगी। रिक्वायर्ड आंसर इज 700 बॉटल्स। इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स। एक बैक्टीरिया की फोटोग्राफ है, आपको पता है बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, अगर उनको देखना है तो उनको एनलार्ज करना पड़ेगा तो ही हमें वो दिखाई पड़ते हैं। तो कहते हैं अगर हमने बैक्टीरिया की फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है। व्हाट इज इट्स एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ बतानी है। इट मीन्स पहले क्या है, एनलार्ज्ड फोटोग्राफ, enlarged photograph, enlarged किया in times में, कितने times enlarged किया है हमने, 50,000 times, कितना times हम करें तो actual आ जाएगी। अगर हम one time means हमने उसको enlarged किया ही नहीं, वही का वही रखा तो कितना हो जाएगा ये बताना है। 50,000 करने से तो आ गई है 5 सेंटीमीटर, आप यहां सेंटीमीटर लिखे या यहां लिख सकते हो, एनलार्ज्ड लेंथ इन सेंटीमीटर, आप इन सेंटीमीटर यहीं लिख दीजिए, फिर आपको यहां पर लिखने की नीड ही नहीं है। अगर हम वन टाइम करेंगे तो एनलार्ज कितना हो जाएगा वही उसकी एक्चुअल लेंथ होगी, हालांकि ये एनलार्ज्ड है ये एक्चुअल होगी। क्यों एक्चुअल होगी, क्योंकि वही का वही हमने वन टाइम एनलार्ज कर रहे हैं उसको, वही रहेगा वो, तो जो भी एनलार्ज होकर यानी जो आएगी लेंथ वो एक्चुअल लेंथ ही आने वाली है क्योंकि हमने वन टाइम किया है। अब देखो 50,000 टाइम करने से 5 आया तो वन टाइम करने से कितना आएगा, कम ही आएगा ये भी पता है हमको, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। बिकॉज इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन सो ये अंडरस्टूड है। हम ये दो क्वांटिटीज को x एंड y मान रहे हैं तो ये x1 y1, ये x2 y2 होगा, x1 by y1, x2 by y2 means 50,000 divided by 5
वन बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो 50,000 एक्स हो जाएगा, वन इंटू फाइव, तो एक्स कितना आ जाएगा 5 × 1 = 5 डिवाइडेड बाय 50,000, 5 × 1 = 5 × 1 = मीन्स 1/10,000, 1/10,000 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्या कहेंगे 1 × या इसको पहले आप सिंपल में कन्वर्ट कर लीजिए, पार्ट्स में कन्वर्ट करो, 1/10^4 कह सकते हो इसको, 10,000 है ना तो 10^4 कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हैं 1 × 10^-4, कैसे हुआ ये, क्योंकि हमारा एक लॉ है जिसमें हम 1/a^m = a^m, वाइस वर्सा होता है ये, 12th चैप्टर में आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, a^m इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 1/a^m ऐसा होता है। सो एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई, फर्स्ट आंसर है हमारा 1 × 10^-4, और ये है क्या एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ इज 1 × 10^-4। अब यहां पर एनलार्ज लेंथ है, ये मैं फिर से बता रही हूं ये एक्चुअल लेंथ क्यों है, हालांकि ये एनलार्ज लेंथ लिखा हुआ है, ये 50,000 टाइम्स हमने बढ़ाया था तो 5 तब एनलार्ज लेंथ आई थी, 1 अगर हम 1 टाइम करेंगे एनलार्ज तो एक्चुअली तो आएगी ना, एनलार्ज होगा ही नहीं, तो वही लेंथ जो है एक्चुअल लेंथ आएगी। सेकेंड पार्ट है इसका, ये तो था फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स देन व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। अब सेकेंड में क्या करना है, यही टेबल रहेगी, आपने सिर्फ यहां कर देना है 20,000, ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने यही पूछा है सेकेंड पार्ट में, अगर हम 20,000 टाइम्स एनलार्ज करेंगे तो एनलार्ज लेंथ कितनी आएगी, यहां 1 था तो कितनी आई, और 20,000 करेंगे तो कितनी आएगी, मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही रहने वाला है, सेम रहेगा यहां तक, उसके बाद हम इसको यहां चेंज कर देंगे। नाउ x1 इज 50,000, y1 इज 5, x2 इज 20,000 एंड y2 इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई 50,000 × x = 20,000 × 5, x = 20,000 × 5 / 50,000, 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मींस x = 2। अब ये इन सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में आया, तो सेकंड भी हमारा क्या आ जाएगा 2 cm एनलार्ज लेंथ आ जाएगी अगर 20,000 टाइम्स हम करते हैं, तो ये आ गया आंसर 2 cm। हमारे पास 2 आंसर्स है क्योंकि एक बार एक्चुअल लेंथ पूछा गया है, सेकंड टाइम एनलार्ज लेंथ 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया है, तो 2 आंसर्स आएंगे हमारे, फर्स्ट इज 1 × 10^-4 सेंटीमीटर एंड सेकेंड इज 2 cm। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 cm हाई व्हाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 m हाई, इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 m हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। दो तरह के शिप गिवन है, एक एक्चुअल शिप जो शिप है और उसका मॉडल, जैसे अब एक्चुअल शिप तो बहुत बड़ा होगा, जब उसका मॉडल बनाएंगे तो वो बहुत छोटा होगा, फॉर एग्जांपल आप देखते हो अर्थ, अर्थ हमारी कितनी बड़ी है लेकिन अब उसका मॉडल जो ग्लोब है वो छोटा है, लेकिन हमें उससे सारा पता चल जाता है कि कौन सी जगह कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर हैं, ओशन कहाँ पर है, ये सब हम वहाँ से पता कर सकते हैं, उसी प्रपोर्शन में बनाया गया होता है वो तो हमें पता चल जाता है। इसी तरह से एक एक्चुअल शिप है उसका मॉडल बनाया गया है, अब एक्चुअल शिप बड़ा है इसलिए वो मीटर में गिवन है, और उसका
मास्ट भी मीटर में है। देखिए ये लेंथ ऑफ शिप है और ये इसका मास्ट है, और इसी तरह से ये जो 9 सेंटीमीटर है मास्ट, वो मॉडल शिप का है, और लेंथ हमें बतानी है मॉडल शिप की। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह के शिप है, एक्चुअल शिप एंड मॉडल शिप। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक चीज हमें मीटर में गिवन है, एक सेंटीमीटर में है, तो प्रॉब्लम ना आए हमें क्या कर लेना चाहिए, यूनिट को सेम कर लेना चाहिए। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर होते हैं। 100 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसको आप शो भी कर सकते हो, 1 में 100 है तो 12 में 100 मल्टीप्लाई 12 मींस 1200 सेंटीमीटर। ये तो हो गया मास्ट ऑफ द शिप। अब लेंथ ऑफ शिप क्या है, वो भी मीटर में गिवन है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 28 मीटर भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम सेंटीमीटर में, वो हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक्चुअल शिप में क्या गिवन है और मॉडल शिप में क्या गिवन है, हमें ये देखना है। ये हमारे पास इस तरह की टेबल बनेगी। एक तो गिवन है हमारे पास मास्ट ऑफ शिप इन सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। एक्चुअल शिप का मास कितना है, 1200 सेंटीमीटर, और मॉडल शिप का 9 सेंटीमीटर, और है लेंथ ऑफ शिप, वो भी हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, उसको भी लिख देंगे इन सेंटीमीटर। ये है 2800 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल लेंथ की शिप है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल शिप। हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, वो हमें बताना है। शिप की लेंथ क्या है, मॉडल शिप की लेंथ क्या है, वो आपको बतानी है। अब देखिए एक्चुअल शिप 2800 का है तो उसका मास 1200 का है। जब हमने मास को छोटा कर दिया, मॉडल बनाते हुए मास को छोटा किया, तो शिप भी छोटा होगा। इट मींस इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एंड बिकॉज इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो x1 डिवाइडेड बाय y1, x2 डिवाइडेड बाय y2, जैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये हमारे पास आना ही है। अब x1 है 1200, y1 है 2800, x2 है 9 एंड y2 है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1200 इंटू x, 9 इंटू 2800, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई 2800 डिवाइडेड बाय 1200। 20 से 20 कैंसिल, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 7s are 28, तो x आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ द मॉडल शेप। Length of model shape is 21 centimeter. Required answer is 21 centimeter. अब यहीं से ही पता लग रहा है, जैसे ही मास छोटा हुआ वो लेंथ भी छोटी हो जाएगी, शिप की लेंथ भी छोटी हो जाएगी। तो यहीं पर आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।